ये तो भाई साहब असोज का जो गन्ना है ये किसानों के लिए रामबाण है, अच्छा जी, और हमारा फसल चक्र है, अच्छा फसल चक्र हो जाएगा फसल चक्र है जी। और भूमि शोधक है। मैं असोज का गन्ना बोता हूँ अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है जी। इसके साथ में सरसों बोता हूँ। हाँ जी, देखो सरसों जम भी रही, इसमें बहुत हाँ सरसों जम जम रही रही, जी। कितनी सरसों जम रही है। जी 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 और इसमें सरसों बोने का लाभ ये है, जी तो इसका ये भी बेनिफिट है, जितना गन्ना हमारे रस में जाएगा उतना मील में कभी नहीं जा सकता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मील से 1.5 गुना जब फालतू जाता है रस में। हाँ जी, हाँ जी, एक फायदा ये हो सकता है, अब मान लो 70 निकल रहा, जब हाथ से 75-80 निकल जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रसवाई का बहुत अच्छा फायदा उधर सरसों का। बिल्कुल। तो सचिन भाई, असोज गन्ने की बुआई किसान को करनी चाहिए फिर आपके जरूर हिसाब से? जरूर करनी देखो चाहिए। भाई, अगर जमीन का इशू है भाई, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी जमीन वाला तो रोटेशन नहीं पलट सकता, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसके पास 20 बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन है, वो 2 से 3-4 बीघे लगाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बात इसका है। मुझे एक बेनिफिट मिला भैया, हाँ जी, हाँ जी, एक तो हमारे घर की खड़ हो जावे है हाँ बिल्कुल जी, और घर का शुद्ध तेल मिल रहा। बिल्कुल। बाजार के तेल में खाना नहीं खा रहे थे, बुरा हाल हो रहा था अपना घर का। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल शिवाच फेसबुक पेज पर। तो भाइयों, आज मैं भैंसी गांव में पहुंचा हूं, जो कि खतौली के पास में खतौली शुगर मिल का क्षेत्र पड़ता है, और एक युवा प्रगतिशील किसान सचिन अहलावत जी के खेत पर पहुंचा हूं। और भैया जी जो है अपने क्षेत्र में और अपने खतौली शुगर मिल क्षेत्र के बहुत ही प्रगतिशील किसान है, पिछले कई वर्षों से ट्रेंच विधि द्वारा खेती कर रहे। आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि जो हम असोजी गन्ना लगाते हैं, किसानों को उसकी बुआई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका क्या लाभ है, किस तरीके से ज़्यादा फायदे का सौदा है असोजी गन्ने की खेती का। टोटल चर्चा भाई के साथ में करेंगे, जो कि इसके साथ में सरसों की फसल भैया जी ने काट ली और गन्ना आपके सामने है ट्रेंच विधि पे, 55 से 60 इंची की चौड़ाई होगी मेरे हिसाब से। तो सचिन भाई से सबसे पहले मिलवा दें, एक बार परिचय करवा दें। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी, क्या हाल है भैया? बढ़िया जी, राहुल भाई ठीक हो? बढ़िया जी बढ़िया। थोड़ा सा तो अपने किसान भाइयों को अपना एक बार परिचय करवा दो जी। मेरा नाम सचिन अहलावत, जी 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 गांव भैंसी, जी तहसील खतौली, जिला मुजफ्फरनगर का किसान हूँ, जी जी और आपके चैनल का धन्यवाद बार बार, जी जी हजारों बार। बिल्कुल। आप किसानों तक, किसानों से जानकारी लेके बहुत जी अच्छी अच्छी जानकारी उपलब्ध करा रही, जी जी और नई नई तकनीक की, जी जी चाहे वो मिट्टी चढ़ाने के यंत्र हो, छोटे ट्रैक्टर हो, और नई गन्ने वैरायटी हो, जी कोई नया उर्वरक हो, नई दवाई हो, कीटनाशक, बहुत बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका जी। इसके लिए। तो सचिन भाई, आज की वीडियो का टॉपिक जैसा आपने बताई दिया किसानों की जानकारी के लिए, जी ये जो आपने असोजी गन्ना लगाया, किसानों के लिए किस तरीके से फायदे का हो सके, थोड़ा सा आज इस पर चर्चा करेंगे। ये तो भाई साहब असोज का जो गन्ना है जी, ये किसानों के लिए रामबाण है। अच्छा जी, जी और हमारा फसल चक्र है। अच्छा फसल चक्र हो जाएगा। फसल चक्र है जी, और भूमि शोधक है जी, और एक रोटेशन आ जा टाइम का। अच्छा, अब आप देखो, हमने अगर जुनाड़ का गन्ना बोते जी तो मैं इस टाइम आपको खेत में ही खोदता मिलता या कुछ काम करता मिलता जुनाड़ के गन्ने में, गेहूं के बाद वाले में। हाँ जी, हाँ जी। मैं पिछले 6 साल से कोई भी गेहूं का गन्ना नहीं बोता। अच्छा, 6-7 साल से मैंने गेहूं का गन्ना बोना छोड़ रखा, मतलब पछेती बुआई बंद कर दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं सिर्फ असोजी गन्ना और बसंतकालीन बुआई करता हूँ जी, और 10 जून को मेरा सारा काम खत्म हो जाता है, 10 या 12 जून के पास, यदि बारिश नहीं होती जी, मानसून जल्दी नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरा 12 जून को सारा काम खत्म हो जाता है, मिट्टी विट्टी चढ़ा के स्प्रे करके। हाँ सब जी, अभी फटेरा वगैरह मैंने डाला नहीं कुछ भी, अब हाँ डाल लूंगा, बारिश ज्यादा की वजह से नहीं डाला अभी। जी जी जी। तो ये बड़े भाई आपके सामने मेरा सोच का गन्ना है जी, इधर 11015 वैरायटी है। अच्छा, ये 11015 लगाई थी इस बार बिजनौर से लाके। जी जी, ये मानव भाई के यहाँ से। हाँ जी, मानव अलावा तो भाई का योगदान है इसमें बहुत बढ़िया हमारा, और ज्यादातर जो हमारे क्षेत्र में ये वैरायटी आई। हाँ जी, ये मानव भाई की दीवाई है। हाँ जी, और बरकतपुर शुगर मिल, बरकतपुर शुगर मिल के। हाँ जी, उत्तम शुगर मिल जी, अच्छी वैरायटी है। हाँ जी, हाँ जी, कुल मिला के। सचिन भाई, ये कितने खोड लगाए आपने इसके? ये 1 बीघा लगाई थी, 4 लाइन लगाई थी। 1 बीघा लगा रखी जी। अच्छा, अब इसी टॉपिक पर आ जाओ जी, असोजी गन्ने में जैसा आपने बताया कि जमीन का शोधन भी हो जाएगा, फसल चक्र भी हो जाएगा, थोड़ा सा किसानों को उसके बारे में समझाओ आप किस तरीके से बोलना चाहते हैं। ये इधर 0238 है। हाँ जी, हाँ जी, 0238 है जी। आपको एक मैं और थोड़ी जानकारी बताऊंगा वीडियो में आगे जी। मैं असोजा गन्ना बोता हूँ अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है जी। इसके साथ में सरसों बोता हूँ। हाँ जी, देखो सरसों जम भी रही, इसमें बहुत। हाँ, सरसों जम रही जी। कितनी सरसों जम रही है? जी जी जी। और इसमें सरसों बोने का लाभ ये है जी कि मुझे बहुत बेनिफिट मिला सरसों का। अच्छा जी, ये 6 बीघा खेत है। अच्छा जी, ठीक है। 5 फीट पे, 60 इंच पे।
ठीक है जी, 5 फीट पे इसलिए बोया क्योंकि उधर ही रास्ते में पार है। हाँ, पार तो है। मुझे ट्रैक्टर से मिट्टी छिड़वानी होती है, जी जी, लेबर वर्क की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल, तो मुझे ट्रैक्टर से आसानी रह जाती है, मैं बड़े ट्रैक्टर से भी काम कर लेता हूँ, बाने वाने का। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने इसमें सरसों बोई, ठीक है जी, फिर मैंने इसमें गन्ना बोया। हाँ जी, तो सरसों का उत्पादन इतना अच्छा रहा, इसमें 6 बीघे में भैया 9 क्विंटल 60 किलो सरसों हुई। अच्छा, सरसों की कौन सी वैरायटी? एडवांटा की 414 बोता हूँ पिछले 4 साल से। जी जी, बहुत अच्छी वैरायटी है। हाँ जी, 34-35% तेल निकल जाता है जी, अच्छी वैरायटी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है उसमें कोई रोग नहीं आता, मैंने आज तक उसमें कोई स्प्रे नहीं की ऊपर ना कोई दवाई डाल ली। अच्छा, कि सर्दी में इसमें सफेद वो रतुआ आ जाता है, वो ऊपर से फंगस कुछ नहीं आता इसमें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी वैरायटी, टाइम से पकने वाली जी। फिर ये आपके सामने गन्ना है। हाँ जी, हाँ जी। असोज के गन्ना बोने का सबसे बड़ा महत्व क्या है, अगर हम चाहें इसको अब 2 महीने बाद हम इसको रसवाई में दे सकते हैं 600 रुपए क्विंटल, लगभग चला जाता है 500-600 के बीच चला जाता है। जी जी जी, और हमारी फिर पिड्डी हो जाएगी, हम फिर दोबारा इसमें सरसों बोलो। हाँ जी, 2 साल फसल होगी, फिर रस में क्रॉप रोटेशन हो गया जी, फिर पिड्डी हो जाएगी, फिर रस में दे दो जी, ठीक है। तो इसका ये भी बेनिफिट है, जितना गन्ना हमारे रस में जाएगा उतना मील में कभी नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मील से 1.5 गुना जब फालतू जाता है रस में। हाँ जी, हाँ जी। एक फायदा ये हो सकता है, अब मान लो 70 निकल रहा, जब हाथ से 75-80 निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रसवाई का बहुत अच्छा फायदा, उधर सरसों का बेनिफिट मिल जाएगा। मैं हाँ जी, छुलाई जल्दी हो जाएगी हमारी जी, इस तरह का प्रोसेस रहता है। तो इसमें फसल चक्र भी हो जाएगा, फसल चक्र और उत्पादन ज्यादा होता है उत्पादन गन्ने का। जी जी, और पर्ची पेड्डी में लगती है इसकी। अच्छा अच्छा, जो ये पौधा होता है। हाँ जी, इसको ओटम प्लांट बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओटम प्लांट की जो है रटून में लगती है। अच्छा, रटून पेड़ी में। जी जी, जो खन्ने होते हैं ये रकबा जो है पेड़ी में चढ़ता है। जी, इसकी पर्ची पेड़ी में लग के आती है। अच्छा अच्छा, जल्दी तो मील में भी फायदा, मील में और रस में फायदा, और सबसे बड़ी बात है फरवरी में छोड़ लग जा। अच्छा, फरवरी में छोड़ लग भाई, कुछ लोग तो पौधे भी छोड़ने लगते हैं, लेकिन फरवरी में छोड़ लग जा। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात ये है आप कभी तक स्प्रे कर लो, खाद डाल लो, कुछ भी कर लो, चौड़ाई में कोई दिक्कत नहीं। जी जी। अच्छा सचिन भाई, उससे अलग उत्पादन में जैसा बता रहे कि भाई ये डोडा निकल जाओ, उससे ये भी देखा आपने? हाँ, सारी फसल मतलब असोज का जो गन्ना बुआई है। हाँ जी, हाँ जी। वो बसंत कालीन से और ग्रीष्म कालीन से ज्यादा निकलता है। अच्छा, उससे ज्यादा निकलता है। और एक बात और भी। हाँ जी, हाँ जी। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, टॉप ब्रोर बहुत कम आता है, वैसा रोग बहुत कम आता है फागण के गन्ने के मुकाबले, कहीं ना कहीं कीटनाशक के भी कम कम बहुत कम। अच्छा, अब ये देख लो, मैंने इसमें सिर्फ एक वॉल्यूम फ्लेक्सी लगाई हुई है। अच्छा, एक बार वॉल्यूम अप्रैल में लगाई थी जी, ये 15 मार्च को, इसमें से 10 मार्च को कटी थी सरसों। हाँ जी, हाँ जी। 15 मार्च को पानी वानी देके बवाई वाई होके 15-20 मार्च के बीच लगी थी, सॉरी अप्रैल में। मार्च में तो मैंने इसको खुदाई बवाई कराई। हाँ जी, 1 या 2 अप्रैल को मैंने इसमें वो लगाई वॉल्यूम फ्लेक्सी सिजेंटा वालों की, उसके बाद मैंने इसमें कोई टॉप ब्रोर कीटनाशक वो नहीं लगाई, अब फर्टेरा लगाऊंगा। अच्छा, फर्टेरा डालो। तो फटेरा का तो यही है कि जैसे आपने मिट्टी चढ़वा रखी। हाँ, तो आप जड़ों में डाल दोगे आसानी से, बस यहाँ पे इसके बराबर में डल जाएगा, कुंड बन रहे। हाँ हाँ, कुंड जैसे ये होते हैं ना, ये गन्ने के बराबर में। अच्छा, ये फटेरा या हम नीचे से कोई भी डाल रहे कीटनाशक, तो पौधे की जड़ में जाना चाहिए, जड़ में जाना चाहिए, है ना जी। तो ट्रेंच खेती में भी फायदा, किसी कोई सी कंपनी डाल लो, फटेरा तो मेन उसका नाम कहता है, लेकिन हम तो कंपनी में बहुत तरह के वो आ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका जो होता है CTPR। जी जी जी। तो एक चीज और बताओ सचिन भाई, तो कुल मिलाकर दूसरा फायदा हो गया कि इसमें लागत किसान की कम हो जाएगी। हाँ जी, है जी? जी, और खेत का सुधार हो जाएगा। सुधार हो जाएगा जी, और सरसों की फसल अपनी फ्री में हो जाएगी। फ्री में जी, बाकी की एक मेहनत पड़ती होगी कि खेत से बाहर निकालनी पड़ती होगी वो। नहीं, वो तो मैंने खेत में कटवा ली थी। हाँ जी, पिछली बार निकलवाई जी, तो पिछली बार निकाल दी थी उन्होंने, बड़ा खेत था, वो कहने लगे हम यही निकाल देंगे, एक साइड कोना सा करके वही भूस निकाल दिया उन्होंने, वहां से लेके उठा के। अच्छा अच्छा, हाँ वो तो अब तो लेबर रहा है उनके पास में बहुत। तो भाइयों देख लो जी, 0238 कितना शानदार खड़ा है, और असोजी गन्ने के हमारे आज सचिन भाई ने जानकारी दी कि किसान इससे कैसे लाभ ले सके ज्यादा। ये देख लो भाइयों, किसान तो असोजी गन्ना सचिन भाई बहुत लगा रही है। हाँ जी, लेकिन प्रॉपर वीडियो में हर एक किसान नहीं बोल पाता। नहीं, अब ये देखो आप, हाँ ये पत्ती सूख गई थी। जी जी, इसका मेन कारण क्या है, किसान कहने लगे कोई ना कोई ये रोग है। हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे डॉक्टर मलिक साहब है। हाँ जी, उनसे बात हुई मेरी। हाँ जी, उन्होंने कहा कि सचिन भाई ये मैं जानता हूँ, तो सनबर्न है वैसे, पहले पता है, धूप और टेम्परेचर की देन है ये। हाँ हाँ बिल्कुल। और अब आप देख रहे हैं इस पत्ती को, आप आज निशान लगा के छोड़ दो, ये जो है ना ये पुरानी पत्ती है जी, ये नई पत्ती ही आने लगी, ये अपने आप अवशेष छोड़ देगी अपना। बिल्कुल, नई पत्ती पे कोई असर नहीं है। नई पत्ती ये साइड की पत्ती होती है, उससे इसका असर होता है। ये भी देखो, इसमें भी हरापन चल गया कुछ। हाँ, इसमें ग्रीननेस आ जाएगी। हाँ, इसमें भी आ जाएगी, इसमें ग्रीननेस जरूर आएगी। बिल्कुल, ये तो टेम्परेचर घट गया ना और बारिश आ गई, तो इसको वो हो गया, बहुत अच्छा हो गया प्रभाव। बिल्कुल बिल्कुल। तो सचिन भाई, असोजी गन्ने की बुआई किसान को करनी चाहिए फिर? जरूर जरूर करनी चाहिए भाई,
अगर जमीन का इशू है भाई, थोड़ी जमीन वाला तो रोटेशन नहीं पलट सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिसके पास 20 बीघा जमीन है, 15 बीघा जमीन है, वो 2 से 3-4 बीघे लगाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इसका मुझे एक बेनिफिट मिला भैया। हाँ जी, हाँ जी। एक तो हमारे घर की खड़ हो जावे। हाँ बिल्कुल जी। और घर का शुद्ध तेल मिल रहा। बिल्कुल। बाजार के तेल में खाना नहीं खा रहे थे, बुरा हाल हो रहा था। अपना घर का तेल है, विश्वास का तेल है। बिल्कुल बिल्कुल। और सरसों घर की होगी, खड़ पूरे साल पशु खावे। बिल्कुल। और तेल का उत्पादन इतना है कि दो अपने भाइयों को शुद्ध रूप में मिल भी जावे। मिल भी जावे जी। तो कुल मिलाकर किसानों के लिए फायदे का सौदा है। बहुत फायदे का है। अच्छा, आप थोड़ा सा एक बार 11015 पर और चले। तो सचिन भाई, जैसे आप 11015 लेकर आए वैरायटी जी, वैरायटी का इसका क्या लग रहा, क्या हिसाब किताब है? ठीक है, वैरायटी शुरू में तो बहुत शोर मचा कि भाई इसमें रेड रोट है, वो है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं आपसे एक बात और बताऊंगा राहुल भाई, जी, जी, जी। जो बिल्कुल जेनेटिक बात है, मैं जो मैंने अपना अनुभव किया। हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ एक 0238। हाँ जी। और PB95। हाँ जी। एक ऐसी वैरायटी है जो सिर्फ सरसों को झेलती है। अच्छा। जो सरसों होती है हाँ जी, उसे झेलती है। असोजी करने में जो हम झेल सके। अच्छा अच्छा। अब आप 11015 को देख लो, इसी खेत में 38 है, कितना फर्क है। हाँ, 38 में फर्क है जी। ये कोई वैरायटी, मैं 2-3 वैरायटी बोकर देख चुका हूँ सोचे गन्ने के साथ, सरसों की कोई मार नहीं झेलता। अगर मैं सरसों ना बोता तो ये बता कि गन्ना बन जाता। बन जाता बिल्कुल। लेकिन वो मुझे जो 60,000 रुपए की सरसों हुई मेरी, उसका तो कोई फायदा नहीं था मुझे। बिल्कुल भाई, मुझे गन्ना दिखा के अभी रिकॉर्ड तो लेना नहीं, मुझे अपना एक रोटेशन बनाना। बिल्कुल। सरसों बो नहीं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत से लोग नहीं बोते सरसों, छोटी सरसों में ठुमरे वाली, वो मैं नहीं बोता। बिल्कुल बिल्कुल, वो नहीं बोता बिल्कुल मैं। हाँ, लेकिन जो ये वैरायटी है 11015, ये अच्छी वैरायटी है जी, के पास होने की लग रही कुछ। हाँ, बढ़िया है। आपके मिल रहे तो थोड़ी थोड़ी बुआई बुआई बहुत है ना कही उन्होंने की। हाँ जी, हाँ जी। बाकी इसका जमाव बहुत हार्ड है। जमाव हार्ड है, और जमाव के बाद जब ये गर्मी में आती है ना, टिल्लिंग जब आके करती है, उस टाइम पे 38 तो टिल्लिंग कर लेता है। 38 तो बहुत अच्छी जमाव था। तो असोजी करने में इतनी कामयाब नहीं है। नहीं, इतनी कामयाब। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। इसको तो मार्च में होना चाहिए। जी, जी, मार्च की वैरायटी है ये। लेकिन अगर आप असोजी में बोना चाह रहे हो, कुछ लोगों ने बोई बिना उसके, बोई सरसों के, बिल्कुल, तो बहुत बड़ी हो जावे ये। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि इसको सरसों पसंद नहीं है। हाँ, इस वैरायटी को सरसों की दाम मानती है ये। जी जी, जो मैंने नोट किया। और मैं आपसे बताऊं, इसमें एक जो गन्ना है, टुकड़ा है गन्ने का, वो दो आंख का है कंची। अच्छा। और इसमें कम से कम 5 इंच का गैप है, एक टुकड़ा रखने के बाद 5 इंच का गैप है, तब भी इसमें जर्मिनेशन देखो कितना अच्छा। हाँ, फिर भी ठीक है ना। ये देखो गन्ना पड़ रहा है। ये देखो, ये एक गन्ना है ये, और ये इसके बीच में एक बिलांद का गैप है। ये मैंने छुड़वा छुड़वा के रखवाया था। अच्छा, क्योंकि मुझे ज्यादा मात्रा में बोना था। बीज का मतलब यही होता है कि आप कम बीज को ज्यादा एरिया में कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाइयों, ये थे सचिन भाई, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी आज असोजी गन्ना बुआई के ऊपर दी। तो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार।